my, oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा low feel कर रहा था. I was not feeling motivated at all. तो मुझे लगा कि मुझे break लेना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा pamper करना चाहिए. And I should feel good about myself. क्योंकि pampering सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती है, लड़कों को भी pamper की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा pamper रूटीन, कैसे मैं अपनी पूरी बॉडी का और अपने आप का ख्याल रखता हूँ. So, if you are interested in this topic, make sure you watch this video till the end. Like कर दीजिए इस वीडियो को, subscribe to my channel and let's get started. तो सबसे पहले जो मैंने किया वो था ये कैंडल को जलाना, कि मेरे पास ये कैंडल बहुत टाइम से पड़ी हुई है, मैं कभी कभार इसको जलाता हूँ. ये जैस्मिन फ्लेवर की है और इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है. सबसे पहले मैंने शुरुआत करी अपने हेयर केयर से. मैं यहाँ पे ऑयलिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ऑयलिंग नहीं करी थी. तो मैं यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से ऑयल को थोड़ा सा हीट अप कर रहा हूँ, जिससे कि ऑयल मेरे स्कैल्प में अच्छे से चला जाए. फिंगर टिप की हेल्प से मैं ऑयल को अपने स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ और उसके बाद धीरे धीरे मसाज कर रहा हूँ. ट्रस्ट मी गाइस, ये जो मसाज होती है इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है, आपके माइंड को एकदम से रिलैक्स कर देती है. सारी स्ट्रेस, सारा टेंशन सब रिलीज हो जाता है. उसके बाद मेरे हाथों के बाल और पैरों के जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं कट किए थे, तो मैं यहाँ पे उनको कट करूँगा. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिमर ले लिया है, उसमें मैंने ऊपर की कैप लगा दिया है एंड ट्रिमर को सेट किया है 1.5 नंबर पे. एंड सारे बाल जो मेरे एक्स्ट्रा हेयर थे हाथों के और पैरों के, वो पूरे मैं ट्रिम कर लेता हूँ. मुझे एक्चुअली पूरे बाल हटाना नहीं पसंद है. इस टाइप से ट्रिम करने से बाल एकदम सटल हो जाते हैं, शॉर्ट्स या फिर जब हम हाफ टी शर्ट पहनते हैं तो अच्छे भी लगते हैं. फिर मैं अपने अंडर आर्म्स के हेयर भी कट कर रहा हूँ. अब आ रही है फेशियल हेयर को ट्रिम करने की. तो मेरे नोज़ के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो मेरे पास यहाँ पे एक नोज़ ट्रिमर है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करके सारे एक्स्ट्रा बाल को कट कर रहा हूँ. चीक पे जो बाल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनॉइंग लगते हैं, तो इसका एक दूसरा भी अटैचमेंट था जिससे आप ये बाल आराम से हटा सकते हैं. एंड इसी अटैचमेंट से आप अपने जो एक्स्ट्रा आईब्रोज़ के हेयर है वो भी हटा सकते हैं. वैसे तो हम थ्रेडिंग कर सकते हैं, बट थ्रेडिंग थोड़ा सा पेनफुल होता है. एंड दिस इज़ द बेस्ट वे विच आई हैव डिस्कवर्ड रिसेंटली. स्वेटिंग की वजह से मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और छोटे छोटे दाने भी हो गए थे. तो बैक एक्ने के लिए मैं यहाँ पे एक DIY यूज़ करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बाउल में थोड़ी सी मिल्टानी मिट्टी लेनी है और इसमें सिर्फ पानी ऐड करना है और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के रेडी करना है. ये आपको अपनी बैक पे अप्लाई करना है बहुत अच्छे से. आप अपनी नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ साथ अगर आपके अंडर आर्म्स में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं तो आप वहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी वैसे बहुत ठंडी होती है, जितनी भी आपकी दाने और घमोरियां हो जाती हैं उसको कंप्रेस कर देती है और वो ड्राई ऑफ करने में काफी हेल्प करती है. 10 मिनट बाद जब ये सूख जाए तो आप उसको पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड दैट्स इट. ऐसा आपको एवरी वीक करना है, आपको काफी हेल्प मिलेगी. अब बारी आती है शैम्पू करने की. तो मैं यहाँ पे शैम्पू एक मग में ले रहा हूँ, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ, अच्छे से स्कैल्प की मसाज कर रहा हूँ जिससे सारा ऑयल जितनी भी डर्ट है सब की सब निकल जाए. 2 मिनट से ज़्यादा आपको शैम्पू अपने स्कैल्प में नहीं रखना है, अदरवाइज आपके हेयर फॉल के इशूज़ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे. अच्छे से शैम्पू को साफ करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा कंडीशनर, कि आपको अपने स्कैल्प में ही लगाना है, सिर्फ अपने बालों के एजेस में लगाना है सो दैट आपके बाल स्मूथ एंड सिल्की हो जाए. अब आ रही है इंटीमेट केयर की. सो रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग मार्स बाय GHC इंटीमेट वॉश. जब से आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट आई जस्ट लव इट, बिकॉज इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं. इसको यूज करना बहुत ज़्यादा आसान है. आपको इंटीमेट वॉश का थोड़ा सा साइज अपने पाम में लेना है, उसके बाद अपने प्राइवेट एरिया के ऊपर अच्छे से मसाज करिए फॉर 1 मिनट. थोड़ा सा अमाउंट ऑयल लेकर के मैं अपने बट एरिया के पास भी अप्लाई करता हूँ जिससे कि मेरा पीछे का एरिया भी हाइजीनिक रहे, और उसके बाद पानी से रिंस कर लीजिए एंड दैट्स इट. इसके अंदर एलोवेरा जो आपकी स्किन को सूथ करता है, TTE एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी स्किन को एचिंग और फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, विच हेजल है जो कि आपकी स्किन को ड्राई नहीं करती है. इसके साथ साथ इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती है स्किन पे, pH बैलेंस को मेंटेन करके रखती है और इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है.
मास बाय जीएसटी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक फोन नंबर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप इनके हेल्थ कोच से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो जल्दी से मास बाय जीएसटी की ऐप डाउनलोड करिए और एक फ्री ऑनलाइन असेसमेंट देकर के अपने लिए सही प्रोडक्ट चूज करिए। ऑल्सो यू कैन गेट 30% ऑफ इफ यू बाय फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बारी है बॉडी को एक्सफोलिएट करने की, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑरेंज पील पाउडर, उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करिए, एक चम्मच चीनी और दही और पानी के साथ मिक्स करके मैंने इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, गाढ़ा सा। ये एक नेचुरल एक्सफिल्टर का काम है, अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट हो गए हैं, काली मैल की परत जमी हुई है, टैनिंग हो रखी है जो कि बहुत टाइम से नहीं जा रही है, तो ये उसको रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो मैं इसको यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी में अप्लाई कर रहा हूँ, नेक में, हाथों में, पैरों में, कोहनी में, जो कि बहुत ज्यादा डार्क एरिया होता है यूजली लड़कों में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पैक बच गया था तो मैं इसको यहाँ अपने फेस पे भी अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इससे अपनी बियर्ड भी वॉश करूंगा। तो ये एक नेचुरल बियर्ड वॉश का भी काम करता है, आपकी बियर्ड में जितनी भी इचिंग की प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो उसको भी क्लीन करने में, उसको भी साफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद मैं अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से रिंस कर लूंगा एंड आई विल शो यू नाउ आफ्टर इफेक्ट। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रही है, क्लीन लग रही है, टैनिंग भी काफ़ी हद तक रिमूव हो गई है। अब बारी है प्रॉपर शावर की, तो मैं यहाँ पे एक जूट वाला लूफा ले रहा हूँ जो कि अमेजोन में आपको इजीली मिल जाएगा। इसके ऊपर आप कोई भी शावर जेल लेकर के अपनी बॉडी को अच्छे से एक्सफोलिएट करिए, जितनी भी मैल होती है जो बहुत टाइम से नहीं जा रही होती है, इस लूफा से वो डेफिनेटली चली जाएगी। पैरों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए क्योंकि बहुत सारे लोग पैरों को धोते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ऊपर से जो भी साबुन नीचे निकल के जाएगा उससे पैर अपने आप क्लीन हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आपके घुटने काले हो जाते हैं। सो मेक श्योर आप अपने पैरों को अच्छे से क्लीन करें, इसके बाद पानी से अच्छे से रिंस कर लीजिए। आफ्टर दैट आई अप्लाई अ फेस वॉश। मैं फेस वॉश शैम्पू करने के बाद ही अप्लाई करता हूँ जिससे कि मेरी स्किन डैमेज से बचे। हमें अपनी बॉडी से डेफिनेटली प्यार करना चाहिए क्योंकि जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी हमसे प्यार करें। तो इसीलिए अपने आप को टाइम टू टाइम पैम्पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना अच्छा रिलैक्सिंग शावर लेने के बाद मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फील करी थी, आई वॉज फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड। तो फ्रेश एंड कंफर्टेबल कपड़े पहनने के बाद मैं अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करता हूँ। मैं यहाँ पे एक बॉडी लोशन ले रहा हूँ, इससे मैं अपने हाथों की और पैरों की अच्छे से मसाज करता हूँ। सिंस आई एम गेटिंग ओल्ड तो मुझे अपनी स्किन का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे एक जेल रोलर खरीदा था अमेजोन से, इसको मैं फ्रिज में रख देता हूँ ओवरनाइट के लिए, बहुत ठंडा हो जाता है। और अपने स्किन की, अपने फेस की अच्छे से मसाज करता हूँ, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करती है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती है। इसके बाद मैं सनस्क्रीन भी लगाता हूँ, चाहे आप घर में हो या बाहर जा रहे हैं, सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैम्पर रूटीन के लास्ट स्टेप में मैं करूंगा अपने पैरों के जो बाल हैं उसको क्लीन करना। ये एक्चुअली मेरी उंगलियों पे हैं जो कि थोड़े बहुत हर लड़के के होते हैं और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट जब बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो बहुत ऑड लगते हैं, तो इसलिए मैं छोटी सी कैंची से इसको क्लीन कर रहा हूँ एंड दैट इज़ इट। और ये था मेरा ओवरऑल पैम्पर रूटीन, अपने आप को फील गुड कराने का, अपने आप के लिए स्पेशल फील करने का। तो अगर आप भी लो फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉलो दिस पैम्पर रूटीन एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।